जनरल जी डी बख्शी, जनरल श्रीवास्तव, जनरल सुनील कुमार, वेटरन ब्रदर्स, नॉर्थ इंडिया से आए हुए वेटरन्स, वीर परिवार आल्सो, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ आपके बीच में आके। वैसे इस दिल्ली कैंट में मैंने 16 साल जरूर गुजारे हैं और आपको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मुल्क की पार्लियामेंट में। आज कारगिल विजय दिवस है जो हम मना रहे हैं और माननीय रक्षा मंत्री जी को हमने इनवाइट किया है। आई वॉज लुकिंग बैक के 1948 यानी 47 में हम आज़ाद हुए, तो 47 से पहले तो हिंदुस्तानी फौज अंग्रेज़ों की कमान में पूरी दुनिया में लड़ाई करती रही, चाहे फ्लैंडर्स हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नॉर्थ अफ्रीका हो, चाहे मेसोपोटामिया हो और चाहे बर्मा सेक्टर हो। यानी जो इंडिया गेट है वो इस बात का गवाह है कि पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तानी फौजों ने बलिदान दिया है। मगर 1947 का हमारा पार्टीशन था वो असल में दो प्रधानमंत्री या जो दो हेड ऑफ नेशंस की महत्वाकांक्षाओं की वजह से जंगे आज़ादी जंगे बर्बादी साबित हुआ। और 47 में ही जब पार्टीशन हुआ तो ऑफिशियली कहते हैं 10 लाख लोग मरे और 3 करोड़ बेघर होके अपनी जान बचा के माइग्रेट हुए बांग्लादेश से और वेस्ट पाकिस्तान से। मगर अनऑफिशियली कहते हैं कि जो रेल की लाइनों में डब्बों में नहरों में काट के फेंके गए वो 30 लाख लोग मारे गए थे। और तब से हमारा 48 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग और उसके बाद करगिल और अब एक जो लड़ाई अपना स्वरूप चेंज करके आई है यानी लो इंटेंसिटी वारफेयर या गुरिल्ला युद्ध कहो, जिसकी 5th जनरेशन वारफेयर चल रहा है, वो एक तरह से ऐसा लगता है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क लगातार बरसरे जंग है यानी युद्धरत हैं हम। इज़राइल की तरह से हमारे बॉर्डर जो हैं वो खासकर दो तरफ यानी नॉर्थ एंड वेस्ट में दुश्मन हम पे घात लगाए बैठे ही रहते हैं मौका मिलने पे। और एक ये 1000 स्टेप्स या 1000 वुंड्स वाला वार यानी इंसर्जेंसी चलती रहती है और उसी का जो एक थिएटर बनया वो करगिल युद्ध बनया। वाजपेयी जी तो लाहौर बस यात्रा लेके गए थे अमन के लिए, मगर दिल्ली में पैदा हुए वहाँ के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने करगिल जंग की व्यूह रचना रच दी थी उसी टाइम। और इधर एक अमन का ड्रामा और उधर करगिल हाइट्स को ऑक्यूपाई किया गया पाकिस्तानी फौज के द्वारा। और करगिल युद्ध जब हमें पता लगा और जब पता लगा कि फोर जाट, मैं भी जाट रेजिमेंट में रहा हूँ, फोर जाट का एक पेट्रोल कैप्टन सौरभ कालिया की कमान में कैप्चर करके उनको हलाल किया गया, यानी बहुत ही बुरी बात हुई कि लड़ाई में सैनिक मारे तो जाते हैं मगर उनको हलाल किया गया, उनकी जो दुर्दशा की गई उससे करगिल सेंटीमेंट्स और ज़्यादा अराउज होगी। और करगिल का युद्ध एक तरह से यूनिक है कि इतनी हाइट्स, द्रास, करगिल, टाइगर हिल, टोलोलिंग यानी इतनी हाइट पे बैठे हुए एनिमी को 45 पोजीशंस में जाके
हमारे अफसरों ने, जेसीओज ने, जवानों ने एक अदम्य वीरता दिखा के उनको डिस्लोज किया और फतेह हासिल की। ये दुनिया में अपनी तरह की एक अनोखी मिसाल है। मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे चुसूल में, यानी रजांगला में। वो एक बटालियन की कंपनी की लड़ाई थी, मगर ये ऐसा युद्ध जो दुश्मन को डिस्लोज करके करगिल हाइट्स पे और हमने पूरी फतह हासिल की, ये दुनिया के जंग के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक अध्याय है। मुझे ये जान के बड़ी खुशी भी है कि जो करगिल के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, यानी परवेज मुशर्रफ, वो अपने आप अपने वतन से जलावतन है और एक फ्यूजिटिव की, एक भगोड़े की लाइफ लीड कर रहे हैं। दोनों ने मकान भी बनाया, फार्म हाउस, उसमें भी कोई और ही रह रहा है, यानी वो करगिल का निर्माता मैं कहूँगा जिसने तख्ता पलट करने के लिए करगिल में अपने आप को मशहूर करना चाहा। उनकी महत्वाकांक्षा थी। आज वो दर दर की ठोकरें खाते हुए मारे मारे घूम रहा है और कभी उसके दिमाग में यूँ भी आती होगी कि जहाँ पैदा हुआ था अगर वहीं रह जाते तो कम से कम ये दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। वो दरियागंज में पैदा हुआ था, यहाँ पे दिल्ली में ही। और दूसरे उस टाइम के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो मैंने नारा सुना था उनका करगिल के टाइम में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो भी आज जेल में है। तो ये मैं कहता हूँ कि उनको अपने कुकृत्यों की सजा मिली हुई है। अभी फिर राजनाथ सिंह जी कल करगिल में थे, करगिल विजय दिवस पे आर्मी चीफ के साथ, और उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का हल बहुत नज़दीक है। मैं ये कहता हूँ कि हमें तो चाहे हल हो चाहे ना हो, कश्मीर का जब तक प्रॉपर इंटेग्रेशन कंट्री के साथ नहीं होगा, वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ मगर मैं पहला जनरल ऐसा था जिन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि पत्थरबाजों को गोली मारो, और उसमें मेरे को बहुत ट्रोल किया गया, यानी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई डॉक्टर हो गया ऐसी बात कह रहा है गोली मारने की। तो मैंने कहा भाई फौज में तो डॉक्टर को भी अपना वेपन मिलता है और वो सेल्फ डिफेंस के लिए मिलता है, पत्थर एक मिसाइल है और उसको गोली मारना तो हमारी ड्यूटी है वरना हम मर जाएंगे। तो हम यूनिफॉर्म्ड डॉक्टर हैं तो सेफ्टी तो उसमें ज़रूरी है। तो आज भी मैं कहता हूँ कि इज़राइल की तरह से हमारे देश को एक कॉन्स्टेंट स्टेज ऑफ वार में रहना पड़ेगा। और वार में मैंने ये देखा है, मेरा पूरा परिवार फौज में है, यानी मेरे बच्चे हैं वो भी फौजी, उनके स्पाउजीज यानी हस्बैंड वाइफ भी फौजी, मेरे भाई भी फौजी, उनके बच्चे भी फौजी, और उनमें से कोई ना कोई ज़रूर करगिल में, द्रास में और कश्मीर में युद्धरत रहता है, अभी भी हैं। तो हमारी सिचुएशन इज़राइल जैसी है कि ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ वार, चाहे वो गुरिल्ला वार है चाहे कन्वेंशनल वार है। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है हमारी मेंटल स्टेट और एक्स सर्विसमैन की। मैं जनरल बख्शी को देखता हूँ देश को झकझोरते हुए टीवी पे और उनको प्रोत्साहित करते हुए। ऐसी मेंटल स्टेट बनाए रखने के लिए ही हमारी एक्स सर्विसमैन की एक्स्ट्रा ड्यूटी बनती है। और वो ये कहते हैं कि फौजी और बबूल का बोटा काटने और कटने के लिए बना हुआ होता है। मैं ये विश तो करूँगा कि आज ऐसी स्टेट आ गई है। करगिल युद्ध में ऐसा भी था कि 26 अफसर मारे गए थे और 537 टोटल कैजुअल्टीज थी। ये हाईएस्ट ऑफिसर्स कैजुअल्टी का रेशो है आज तक के युद्धों में। मगर हमारी पॉलिसी है लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट वाली। उस लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट वाली स्टेट में आज के दिन ये हो गया कि फौजियों के बच्चे ही फौजी बनते हैं। तो ये हमने चेंज करना पड़ेगा।
या काफ़ी सारी बातें कही गई कि फौजियों को ये नहीं मिला, फौजियों को ये मिला। मैं ये कहता हूँ जनरल बख्शी का तो बाहर से काम है, हमारे को और हमारी सरकार को जगाना और हमारा काम है अंदर से बात करके रखना। तो आपकी सारी डिमांड्स को एटलीस्ट डिफेंस मिनिस्टर साहब तक, वित्त मंत्री तक मैं पहुंचाता हूं आपसे सुन के, उनसे बातचीत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पीस में अफसर्स का राशन था, उन्होंने वादा किया था दे दिया, वन रैंक वन पेंशन का भी था, वादा किया था दे दिया। मैं कहता हूं आप भी बताएं और हम भी समझाएंगे। इस सरकार में जहां प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला ट्रिप ही फौज का था, दिवाली फौजियों के साथ, दिवाली शाही चिन्ह पे, दिवाली सिक्किम में, यानी हम पूरा संज्ञान है सेना के लिए। और मैं ये भी कहूँगा, हम ये भी उठाएंगे कि हमारा रिहेबिलिटेशन आफ्टर रिटायरमेंट और ख़ासकर फौज के प्रति जिम्मेदारी संज्ञान बढ़ाने के लिए, मैं तो कहता हूँ हर एक अफसर जो हिंदुस्तान में बनता है उसकी 5 साल ज़रूर फौज में नौकरी होनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि कारगिल में लड़ाई कैसे लड़ी गई, शाही चिन्ह पर जिंदा रहने के लिए, यानी इक्वली फॉर्मिडेबल एनिमी को शिकस्त देने के लिए हमें कितना मजबूत और कितना दुरुस्त तंदुरुस्त, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और मॉरली अपराइट रहना पड़ता है। क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं तो यही कहूँगा कि सेना देश की सेना है, देश के लिए है और हमेशा कुर्बान होने के लिए तत्पर सेना है। साथ में जो करगिल में शहीद हुए, चाहे अफसर विक्रम बत्रा, विक्रांत थापर, पद्म पाणि आचार्या, सौरभ कालिया और ऐसे ऐसे 26 अफसरान और 537 जवान जिनको परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वीर चक्कर सब मिला, उन सब को मैं नतमस्तक हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ में सोल्जर होने के लिए मैं एक बात और कहूँगा कि कल ब्रिगेडियर बाजवा का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था अखबार में, और वो कहते हैं कैप्टन कर्नल शेर खान की साइटेशन भी उन्होंने लिख के भेजी और उसको भी उनके मुल्क का निशाने हैदर जो परमवीर चक्र के बराबर है वो मिला। तो मैं ये कहूँगा कि उनके कुकृत तो ये देखो कि फोर जाट के लड़कों को, पेट्रोल को, सौरभ कालिया को हलाल किया और हमने उनकी साइटेशन लिख के भेजी जो बहादुरी से हमारे साथ लड़े टाइगर हिल्स पे। तो मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सबको आह्वान करता हूँ कि आप अपने वेलफेयर से ऊपर उठ के देश का वेलफेयर पहले, यानी कंट्री फर्स्ट की मैगजीन को सार्थक करते हुए देश के लिए हमेशा ही अर्पित रहें। जय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जय वेटरन्स और भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।